हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीपीएस। दोस्तों, आए दिन मैं आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आते रहता हूँ जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ वीज़ा के रिगार्डिंग, पासपोर्ट के बारे में। तो ये वीडियो जो है मेजरली स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए हैं जो कन्फ्यूज़ हैं कि हमें स्टडी के लिए किधर जाना चाहिए। तो मैं आपको इसके अंदर आपको मेन आपको मोटी बातें बता दूंगा जिससे आप यूनिवर्सिटी चूज़ करना आसान होगा। तो दोस्तों, मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास बजट कम होता है पर वो प्लान करना चाहते हैं कि वो बाहर जाएं, तो उनके लिए मैं यूरोप सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक ईज़िली वहाँ पर पहुँचा जा सकता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग और एकोमोडेशन बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर, अगर आप कंपेयर करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, तो वहाँ से बहुत चीज़ें बहुत कम हैं, तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं और मैं उसमें आपको हेल्प आउट भी कर सकता हूँ। तो मेजरली अब हम स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, क्या मतलब कि कौन कहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं। यूरोप में ऑलमोस्ट आप सभी जानते हैं लगभग 28 कंट्रीज़ हैं जिसको हम शेंगन जोन बोलते हैं, और इसमें ये होता है कि आप अगर आप एक कंट्री में अगर वीज़ा ले लेते हैं तो आपको रेस्ट ऑफ़ दी कंट्रीज़ में आप इजीली जा सकते हैं। तो प्लस पॉइंट ये होता है कि जैसे कि अगर आप जर्मनी में जा रहे हैं तो जर्मनी के बाद आपने किसी और कंट्री में मूव करना है तो आप स्टडी पर्पज़ से और वहाँ पर आप बहुत सारे सोर्सेज मिल जाते हैं वहाँ पर जाने के बाद कि आप वहाँ से कहीं भी स्विच कर सकते हैं अगर आपको वहाँ पर वर्क के रिगार्डिंग अगर आप सर्च कर रहे हैं। तो मेरा कंसर्न ये है कि आप चीपेस्ट रेट में अगर आप पढ़ सकते हैं तो हम आपको बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि हंगरी की अगर हम बात करें तो हंगरी एक बेस्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं। हंगरी के अंदर क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हद तक वेव ऑफ हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें ये यूनिवर्सिटीज़ हंगरी की बात करें या फिर जर्मनी की, लाटविया, नॉर्वे, तो मेजरली क्या होता है कि डे वाइज डे यहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ पर बच्चे आकर पढ़ें और उनको टैक्सेस वगैरह मिले, क्योंकि टैक्सेस से ही उनकी इकॉनमी चलती है और इसी वजह से वो मेजरली डिस्काउंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत हद तक वेव ऑफ कर देते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह दे देते हैं बच्चों को। जो अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम हेल्प आउट कर सकते हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अब आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसमें आप की एलिजिबल हैं, तो मेजरली आप देखिए कि आपकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में हो या फिर आपके पास एक आईएलटीएस स्कोर हो, क्योंकि हमें दिखाना पड़ता है कि एजुकेशन बैकग्राउंड के अंदर कि आपको, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश, अगर आपको उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती तो इंग्लिश एक मस्ट लैंग्वेज होती है कि आपको बोलना ही पड़ेगा। तो कोर्सेज़ के लिए हमें दिखाना होगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज है उसके लिए, या फिर तो आपके पास आईएलटीएस होना चाहिए या फिर आपको के पास जो बैक स्टडीज़ है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। फिर उसके बाद डिपेंड करता है, कुछ लोग का गैप ज़्यादा होता है कि 5 साल, 10 साल, तो उनको भी हम हेल्प आउट कर सकते हैं उसमें। उस केस में हम ये कर सकते हैं कि आप को अगर जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप उन 5 साल 7 साल 10 साल के बीच में आपने क्या काम किया है, आपने कहीं किसी चीज़ का वर्क एक्सपीरियंस लिया है, तो आप उसका लेटर वगैरह शो करके हम इजीली दिखा सकते हैं कि हमने इस पीरियड के अंदर जॉब किया है, ठीक है। तो ये जस्टिफाई होनी चाहिए चीज़ें, जितनी जस्टिफाई हम दिखाएंगे एम्बेसी को उतनी ईजिली वीज़ा लगने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ एम्बेसी को सब कुछ पता होता है, वो एम्बेसी बाकी गवर्नमेंट आपको इनवाइट करना चाहती है पर जेन्युइन रीज़न से, जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए, वो वैसे नहीं कि यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों को भर ले। तो एक जेन्युइन तरीके से आप जाते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस जो हैं 3 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं और 10 लाख रुपीज़ पर ईयर्स तक कॉस्टिंग जाती है। तो सबसे बेटर अच्छी चीज़ें होती है जैसे कि इन कंट्रीज़ के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, एकोमोडेशन है और स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक ट्रांसपोर्टेशन में वेव ऑफ हो जाता है। तो जो लोग जिनके पास कम बजट है तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो इधर जा सकते हैं, उनके साथ उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम हेल्प आउट कर सकते हैं कि क्या ऑप्शंस उनके पास हैं उनके। उनको आपको मेजरली क्या करना होगा, हमें CV ड्रॉप कीजिए और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें दिखाइए, फिर उसके बाद हम आपको
उसके ऊपर रिसर्च करके आपको बता देंगे कि प्रॉपरली आप किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लेके आऊँ। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।